हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लवलेश कुमार और आज हम एक ऐसा फ्रेंचाइजी बिजनेस आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसकी आपको एक बरसों से तलाश थी। जैसे आप जानते हैं, आज के डेट में कपड़ा एक यदि आप स्टोर खोलना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना फ्रेंचाइजी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि फ्रेंचाइजी बहुत सारी सपोर्ट्स मिल जाती है आपको, कपड़े की वैरायटी मिल जाती है आपको, पीछे से इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और सभी कुछ आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। और यदि आप इस टाइप का कोई नया स्टोर खोलने जा रहे हैं तो आपको फ्रेंचाइजी में ही जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी से आपकी कई तरह की टेंशनें हल्की हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं हम फ्रेंचाइजी पे सबसे नंबर पहले एंटर करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको लाइटिंग के बोर्ड लगाए गए हैं जिससे फ्रेंचाइजी बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। शुरुआत में ही आपको बिलिंग काउंटर दिया है, यहाँ बिलिंग सॉफ्टवेयर काम करता है फ्रेंचाइजी का। यहाँ पे आज मेरा ट्रेंड के नाम से यहाँ पे ब्रांडिंग की गई, मगर हर चीज़ आपको यहाँ लुक दिख रहा है या पूरा जो इसी को इंटीरियर कहते हैं, हर चीज़ पे ख्याल रखा गया है कस्टमर के हिसाब से। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे इस तरह से कुशनिंग वाले टफी दिए हुए हैं जिससे कारण कस्टमर बैठ के आराम से क्लॉथ को देख सके। यहाँ देख सकते हैं आप बैठ के आराम से कस्टमर मन भर के यहाँ से आपका क्लॉथ को पसंद कर सकता है। तो ये फ्रेंचाइजी की बात होती है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े ग्लास लगाए गए हैं जिससे कस्टमर को यदि लगा के कोई पीस देखना चाहता है तो इस तरह से लगा के देख सकता है। ये बहुत सारी चीज़ होती है जो फ्रेंचाइजी आप डिज़ाइन होती है उसमें ख्याल रखा जाता है। लाइटिंग आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ टॉयलेट दिया गया है और पूरी लाइटिंग के साथ में आप हर चीज़ को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे शुरुआत में आप देख सकते हैं कुर्ती दी हुई है, यहाँ पे ड्रेस मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पर लहंगा है और यहाँ पे आपका साड़ी दिया हुआ है। तो सभी को देखते हुए उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। कुर्तियाँ अधिकतर लड़कियाँ देखती हैं, लेडीज़ देखती हैं, यंग गर्ल्स देखती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऊँचा शेड दिया है जिससे आप कुर्ती आराम से बिछा के देखी जा सके। साड़ियाँ देखती हैं एज वाली वुमेन होती है जिन पे थोड़ा चला फिरा नहीं जाता है, हेल्दी होती हैं तो आराम से बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा पूरा बड़ा स्पेस बनाया गया है जिससे साड़ी पूरा खोल के दिखाई जा सके। तो ये होता है पूरा फ्रेंचाइजी को डिज़ाइन करने का। और ये पूरी फ्रेंचाइजी करीबन 800, 900 या 1000 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर चेंजिंग रूम है। बिल्कुल एक चीज़ को ख्याल रखते हुए कि ड्रेस यदि कोई यदि कुर्ती को यदि कोई ट्राई कर रहा है तो आगे से कैसे दिख रहा है, पीछे कैसे दिख रहा है, वो सभी कुछ इसमें दिखने वाला है। आप देख सकते हैं फ्रंट फेस, बैक फेस सब कुछ इसमें दिखाई देगा। तो ये पूरा उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंचाइजी इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि फ्रेंचाइजी फीस जो कंपनी ले रही है या आपको जो भी पेमेंट ले रही है वो इसी चीज़ का लेती है कि आपको आपके एरिया के अनुसार कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे व्यवस्थित करना है जिससे कस्टमर एक बार आए तो उसके मन में पॉजिटिव फील आए। तो फ्रेंचाइजी में जैसे ही आपका कस्टमर घुसे तो उसके एक पॉजिटिव फील आए, यदि पॉजिटिव एनर्जी आती है तो उस वो कुछ ना कुछ लेके जाने वाला है, इससे आपकी सेल बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अजमेरा ट्रेंड्स पर। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर नमस्कार। सर जी, तो सर आप यहाँ का एड्रेस बताएं इस फ्रेंचाइजी का। सबसे पहले नंबर सर हमारा ये मेन विजयनगर चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है और ये 41 है फ्रेंड्स कॉलोनी विजयनगर चौराहा वर्थना रोड इटावा। इटावा जी जी। तो सर अपन को कितने महीने हुए सर इसको? सर हमारा 2 मंथ कम्प्लीट हो गया सर, 16 अक्टूबर को ओपनिंग हुई थी। अच्छा, सर आज 2 मंथ हो गया है। जी। तो सर आपने फ्रेंचाइजी में क्या क्या लिया हुआ है सर इसमें? सर जैसे इसमें इनके पास तो बहुत सारा मटेरियल है ट्रेंड्स में जी, तो आपके पास कौन कौन सा मटेरियल के लिए अपने फ्रेंचाइजी? सर इसमें एक्चुअली ऐसा है सर, इनके 3 मॉडल आते हैं, ए बी और सी। हाँ, तो सर आपने कौन सा वाला मॉडल लिया है सर? सर हमारा ये बी मॉडल है। और कितने तरह के मॉडल होते हैं सर इसमें? सर इसमें ए बी और सी मॉडल होता है। अच्छा अच्छा, तो ए मॉडल में क्या मिलता है इसमें? सर इनका ए मॉडल में सर पूरा टोटल साड़ी का रहता है और बी मॉडल में सर साड़ी ले और ये सूट, रेडीमेड सूट, मतलब लेडीज का फुल। अच्छा, लेडीज मतलब का फुल हो जाएगा। जी सर, कपड़े के मामले में उनका फुल प्रोडक्ट। और सी? सी में सर लेडीज का तो फुल रहता ही है। हाँ हाँ। सर उसमें किड्स का भी फुल आ जाता है। और इनका सर इन्वेस्टमेंट कितना जाता है ए बी सी? सर ए का सर कुछ 12-12.5 लाख का सर इन्वेस्टमेंट आ जाता है और अच्छा, सर बी का 25 लाख समथिंग आ जाता है। अच्छा। जी, और सर सी का 50+ रहता है। अच्छा, 50+ जी। तो जैसे मान लीजिए 12.5 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट आया जी, तो इसमें आपको क्या मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हुआ होगा इसमें? सर अगर हम ए मॉडल लेते हैं हाँ, तो सर उसमें अगर 12.5 लग रहे तो सर उसमें कंपनी का ही पूरा होता है वो सर, आपका मतलब फर्नीचर वगैरह टोटल। जी जी,
पूरा सेटअप बना के तैयार करके देंगे। और माल कितने का समथिंग सर? उसमें लगभग 3.5 लाख का माल भी अवेलेबल कराते हैं। अच्छा अच्छा जी। और बी मॉडल में सर आपको कितना? सर बी में आपको 10 लाख का माल अवेलेबल कराएंगे। और सर जो आपका फर्नीचर है और भी सर जो है जी जी हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह भी बिल्कुल सर उसी में मतलब हर चीज सर वो देते हैं हमको। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे सॉफ्टवेयर जो उनके तरफ से प्रोवाइडेड है जी, तो जैसे आप उसमें जो इन्वेंट्री कर रहे हैं तो अजमेरा फैशन को भी मालूम चलता है कि आपके यहाँ से क्या सेल हो गया क्या? जी सर, अगर मैं सर यहाँ कोई भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो सर उनको ये नॉलेज रहता है कि हमारे यहाँ कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा, और सर उस हिसाब से वो हमको सूचना भी करते हैं कि सर आपके यहाँ ये स्टॉक खत्म हो गया, सर आप ये ऑर्डर लगाइए। उस हिसाब से सर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट वैसे तो सर वो नया प्रोडक्ट हमको देते ही हैं, जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारे यहाँ आता है। और जो सर हमारा स्टॉक भी खत्म हो रहा वो भी सर हमारा मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू सर पता चल सर जी। और सर जैसे अब मान लीजिए कोई स्टॉक मान लो आपका अभी तो 2 महीने हुए हैं जी, यदि सपोज सर कुछ स्टॉक ऐसा होता है जैसे बच गया मान लो जी सर, तो उसके लिए फिर क्या है सर प्रोसीजर इसमें? सर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर स्टॉक अगर कोई बच जाता है सर हमारा जैसे अपनी भाषा में बोले सर डेड स्टॉक, अगर नहीं चल रहा सर कोई प्रोडक्ट और हमने मंगा लिया तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम सर रिटर्न कर देते हैं, कंपनी अपना वापस ले लेती है। क्योंकि कभी कभी सर ऐसा होता ना कि सर अदर स्टेट की चीज हमारे यहाँ आ गई वो यहाँ नहीं चल रही, तो सर वो चीज वहीं वापस कर दी जाती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आप करेगा या कंपनी करेगा? सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर हमारा रहता है, और सर जैसे कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट निकलता है उसमें सर कंपनी का रहता है। अच्छा जी, कोई मैंने जी सर जैसे फटा हुआ निकला जी जी बिल्कुल उसमें सर कंपनी का 100% जी बिल्कुल। तो अभी 2 महीने हुए आपको करते हुए जी सर, तो कैसा जा रहा है आपका मैंने पर डे की सेल क्या जा रही है आपकी? सर अभी पर डे के हिसाब से सर हम लोग एक नई सर आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सर मतलब शॉप पे अभी एक तो न्यू है, और दूसरा सर ऐसा होता कि सर पता चले कि 2-3 घंटे 3-4 घंटे कस्टमर एक भी ना आए, और फिर सर पता चले कि 1-8 घंटे में सर इतना कस्टमर आ जाए कि सर पूरा दिन का एवरेज निकल जाए। बिल्कुल सर, फिर भी सर हमारा रिस्पॉन्स जैसा हमने सोचा था बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो आपका पहली बार रहा है कपड़े का काम? हाँ सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम क्या सर, हमारा फैमिली में और भी सर रिलेशन में कोई भी सर कपड़े का बिजनेस नहीं, और ना ही सर कपड़े से संबंधित कोई। तो कपड़े का आपने कैसे सोचा कि कपड़े का बिजनेस करें फ्रेंचाइजी में? कपड़े का एक्चुअली ऐसा है क्योंकि सर इनका सर एक चैनल है अजमेरा फैशन करके, सर हम लोग भी यूट्यूब जैसे सर आप शूट कर रहे वैसे ही सर सर का भी एक चैनल चलता है अजमेरा फैशन करके, तो वो सर हम देख रहे थे सर। उसमें कुछ कुछ आइडिया लगा मुझे कि जिस हिसाब से इन्होंने बताया सोचा, अपना डिस्कस किए हम फैमिली में कि कैसा रहेगा। अब सर करने को तो मतलब अब कंफर्म हो गया कि हाँ जो चीज़ इन्होंने बताई वो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम सर लग रहा कि पता नहीं फ्रॉड है क्या है, लेकिन वैसा नहीं है, एकदम जितना है वो एकदम परफेक्ट है। मैंने जो आप जैसे फ्रेंचाइजी फीस वगैरह जा रही है जैसे आपकी जी, और वो जा रहा है, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे फ्रेंचाइजी फीस देने के बाद हमें सर्विस नहीं मिल रही है उतनी? नहीं सर, सर्विस के मामले में तो सर इनका मतलब ज्यादा सर कहेंगे तो ये लगेगा, लेकिन सर सर्विस वगैरह बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगा। परफेक्ट लगा जी, क्योंकि सर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर हमें तो इस लाइन में कोई जानकारी नहीं है, सर हेल्प के लिए सर वो हमेशा तैयार रहते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही या कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही या एक्स वाई जेड सर कोई फ्रेंचाइजी भी ले रहा क्या क्या चाहिए कहाँ प्रॉब्लम फंस रही, वो एकदम सर परफेक्ट है उनका। तो इसमें आपने अभी कितना स्टाफ में रखा हुआ है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ अभी मिनिमम 4 स्टाफ हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मतलब 4 स्टाफ, एक आप, हम 5 लोग आप मिलके चला रहे हैं? हाँ सर, वैसे तो मतलब बी में से लगभग 6 स्टाफ होना चाहिए, और ए में 3 स्टाफ, और सर सी मॉडल में लगभग 10 स्टाफ से ऊपर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप जैसे 2 महीने से चला रहे, तो जैसे लाइट वगैरह का इसका कितना खर्चा हो जाता होगा आपको पर मंथ का, स्टाफ और लाइट वगैरह में? सर हमारा पर मंथ का लाइट का कोई ज़्यादा नहीं, 6-7 हज़ार सर बिल भी आ जाता है, और स्टाफ में भी सर क्योंकि सर इस चीज़ में स्टाफ तो ज़रूरी है, क्योंकि सर वो ही पूरा मेंटेन करते हैं, क्योंकि सर हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन सा क्या कपड़ा है क्या चीज़ कैसे दिखा सर। कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं उन्होंने बोला कि मुझे सिल्क में दिखाइए, जॉर्जेट में दिखाइए, सीफोन में दिखाइए, ऑर्गेंजा में दिखाइए। अब सर मेरे को तो मालूम नहीं कि सर क्या दिखाना, वो सर हमारा मतलब जो सेल्स पर्सन है उनको नॉलेज रहती, वो सर वही चीज दिखाते, इसलिए। तो सेल्स पर्सन आपने हायर करे या? जी सर मैंने हायर किया खुद।
या कंपनी की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलती है इनको? हाँ सर, सपोर्ट ये रहता सर, वो लोग देखते हैं ये इस लायक हैं कि नहीं है सर, हमने तो रख लिया, वो भी सर देखते हैं कि ये बंदा अजमेरा में आ तो गया, मतलब ये एक्सपीरियंस होता ना जैसे दिखाने का। जी 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 बिल्कुल सर, उन्होंने हर तरीके से, जब मैंने रखा था उस टाइम वो सर यहाँ थे, उन्होंने सर एक तरीके का इंटरव्यू सर लिया था, हर चीज पूछी थी, फिर मेरे से बोला था कि सर आप इसको रख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है बंदा आपके लिए। हाँ सर, ऐसा क्या तो स्टाफ के ऊपर बना, अपना फ्रेंचाइजी आप ले आए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसके बाद लाने के बाद तो स्टाफ ही है जो आपको चला के देगा, क्योंकि कस्टमर आता है उसको किस तरह से ट्रीट करना है। बिल्कुल सर, मेन होता है जैसे कोई आइटम है, मान लो आप यदि गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो वो अच्छा आइटम भी खरीद के नहीं जाएगा, वो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, और यदि थोड़ा सा आइटम है वो भी है, यदि 19-20 भी जा रहा है, मान लो यदि स्टाफ का दिखाने का तरीका अच्छा है, बताने का बिहेवियर अच्छा है, तो वो माल बिकने बिकना है। हाँ तो सर, एक ये भी आपका पॉइंट है सर, एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि सर हमको ज्यादा इस मामले में मतलब तो उस हिसाब से मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही तो है। आप नए हो तो हमने कि ऐसे अपने माने कैसे आप निकाल पाओगे इतनी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो बहुत सालों से कर रहे हैं, जिनके पैतृक व्यवसाय है, जिनका का नाम कपड़ों का, जी जी माने जो दो दो तीन तीन पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो उनके यहाँ जाके आप बैठ के देखो, आप एक कपड़ा लेने गए होंगे तो आप करीब पूरे घर का लेके आ जाओगे। जी माने ऐसा होता है, ऐसा कर देते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है क्योंकि कस्टमर सर शोरूम देख के कभी कभी कस्टमर बाहर से अंदर नहीं आता कि ये शोरूम है, पता नहीं क्या प्राइस होंगे, पता नहीं कितनी स्टार्टिंग है इनकी, अरे शोरूम से नहीं लेना। लेकिन हम लोग सर कस्टमर को बुलाते हैं अंदर, आप आइए एक बार देखिए यहाँ, जब सर उनको दिखाते हैं तब वो लोग कहते हैं कि अरे वाह यहाँ तो रेट काफी अच्छे हैं मार्केट का। प्राइस क्या से स्टार्ट है सर अपने यहाँ पे? सर हमारे यहाँ स्टार्टिंग 4-5 से रेंज से सर साड़ी स्टार्ट है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, सिल्क कपड़ा में 511। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं अजमेरा पूरे ब्रांडिंग के साथ में, मैंने पूरा आपको टैग वगैरह सब भी कुछ आपको बार कोड लगा हुआ दे रहे हैं, जिससे आपको बिजनेस करने जी सर इसमें ये सर जो बार कोड लग के आता है वो सर कंपनी से ही आता है, इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, छेड़छाड़ कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, मार्केट की अपेक्षा अपना लगा लो। हाँ, और सर हम लोग मोल भाव करें ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं सर, जो फिक्स प्राइस रहता है वो फिक्स प्राइस जायज रहता है। बिल्कुल, कस्टमर भी हैप्पी रहता है कि ऐसा तो नहीं हम ठग गए हैं यहाँ का ना, और बार्गेनिंग हो सकती थी। नहीं सर, हमारे यहाँ फिक्स रहता है, वो कंपनी से ही रहता है। 600 सर। सर देखिए कलर, देखिए कितना शानदार कलर है इसका। तो दोस्तों आज आप मिले सर से, तो आपने जाना कि फ्रेंचाइजी को लेने में क्या फ़ायदा है और कैसे लेनी है, एक अच्छा बिजनेस करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।